हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ ए के गोरी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग जो है वो अमेजिंग होने वाला है, बिकॉज आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ गाड़ी से ही, क्योंकि अब मैं घर से निकल चुकी हूँ। शुरू करना था, याद नहीं रहा शुरू करने का तब। और अभी हम सुबह सुबह ही निकल चुके हैं। मैं जा रही हूँ आज कॉलेज और पापा और मम्मा जा रहे हैं अपने काम से, और मैं आज इनके साथ ही कॉलेज जा रही हूँ। तो ये मुझे ड्रॉप कर देंगे रास्ते में। तो अभी सुबह सुबह हम चल पड़े हैं, काफ़ी जल्दी है अभी, वैसे 8-9 बज चुके हैं। और इतनी ज़्यादा फॉग है आज, इतनी ज़्यादा फॉग, मतलब आज कोई इंसान नहीं दिख रहा। और जैसे जैसे हम आगे पहुँचे, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं अपने अखनूर में, यहाँ पे कम फॉग है बट हमारे वाली साइड बहुत ज़्यादा फॉग है। तो चलो अभी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आज का कॉलेज कैसा रहा आज का दिन। तो अभी आगे हम शूट करेंगे। तो हमारी अखनूर मार्केट और मम्मा यहाँ पे भजन सुनते सुनते जा रहे हैं सुबह सुबह। अभी यहाँ पे दरिया बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे इतनी ज्यादा फॉग पड़ी हुई है, इतनी ज्यादा फॉग है यहाँ पे आज। ये देखो हमारा ब्रिज अखनूर वाला कितना सुंदर बन रहा है ना। चुकी हूँ अभी पुरखू और ये रूट जाता है नीचे हमारे कॉलेज को। और आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंड थी, मन तो नहीं था बट काफ़ी दिन हो गए थे आज कॉलेज आए हुए ना, तो सोचा आज मैं हो ही आती हूँ। आज मैं अकेली ही आई हूँ कॉलेज, बिकॉज आज मेरी फ्रेंड जो है ईशा वो एब्सेंट है, वो आज गई हुई है कहीं पे। तो ईशा आई मिस यू यार, मैं अकेली जा रही हूँ, मुझे तेरी याद आ रही है। और अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा है, मैंने पूरा कोट वगैरह तो पहना हुआ बट फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है आज। और अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, पापा और मुझे ड्रॉप करके चले गए थे क्योंकि वो भी लेट हो रहे थे। तो अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आज हमारी क्लास में कौन कौन आया है, आया भी है कोई कि नहीं, क्योंकि ठंड में बच्चे कम ही आते हैं। थोड़ा सा चलने के बाद फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ कॉलेज में, और अभी मैं जा रही हूँ, एंटर करने लगी हूँ कॉलेज के गेट के अंदर। और ये बिल्डिंग है कॉलेज हमारा, थोड़ी आगे जा के पहले स्कूल आता है कैम्ब्रिज करके, एंड देन हमारे कॉलेज आता है। बहुत स्कूल जो हमारे कॉलेज के बाहर है, एंड देन ये रोड जाता है हमारे कॉलेज की तरफ। जो तो आज कम ही आए थे बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है। और देखो पीछे क्लासरूम खाली है बिल्कुल, 2-3 बच्चे हैं वो भी लंच कर रहे हैं, और मैंने भी लंच वगैरह कर ली है अभी अपना, क्योंकि अभी हमें लंच ब्रेक था। और अभी मैं अपना ऑरेंज खा रही हूँ, मम्मा ने मुझे ऑरेंज पैक करके दिया था, बोलते स्कूल में खा लेना। और अभी लंच ब्रेक हो गया और अभी मैं लंच कर रही हूँ। लंच मैंने कर लिया, मैं फ्रूट खा रही हूँ थोड़ा सा। और ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी नहीं आए, क्या पढ़ेंगे यार, ठंडी बहुत ज़्यादा है। अभी चलो उसके बाद बताते हैं, अभी नेक्स्ट बाकी क्लासेस हो गई हैं 2 अभी सुबह से, अभी 2-3 और होंगी उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। फाइनली छुट्टी हो चुकी है मुझे, और अभी कॉलेज ऑफ हो चुका है। और सच बताऊँ आज बिल्कुल मज़ा नहीं आया, और मज़ा पता क्यों नहीं आया, क्योंकि आज ईशा ही नहीं आई थी। और आपको पता है फ्रेंड्स हों तो मज़ा आता है ना, जब फ्रेंड्स ही नहीं हो तो क्या मज़ा आएगा। तो बट फिर भी ठीक था, ईशा यार मिस कर रही हूँ, अब आ जाना। एक मेरी फ्रेंड ईशा, एक और मेरी फ्रेंड है शिवानी, तो वो भी अभी आएगी बहुत जल्दी स्कूल में। स्कूल बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्कूल वाली फीलिंग आती है, जैसे स्कूल में जाते थे लंच ब्रेक होती थी वही सेम। और मेरा कहने का मतलब है कि एक और फ्रेंड है, उसका नाम है शिवानी, वो भी आएगी बहुत जल्दी। और इधर देखो आज मैंने आपको नीतू के साथ नहीं मिलाया, तो आप मिलना चाहते हो नीतू से? ये देखो नीतू भी आई थी आज कॉलेज। ये तो छुट्टी होगी, हाँ। बाय बाय कर दे फिर सबको, बाय बाय। पहले हेलो तो कर, हेलो भी कर दे। ठीक है चले, ठंड ज़्यादा थी ना आज, मज़ा आया। सो गाइज अभी मैं जा रही हूँ घर पर, और नीतू से भी मिला दिया आपको, और पीछे मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। और अभी मैं भी जा रही हूँ घर पे यार, आज कुछ खास नहीं हुआ कॉलेज में, मज़ा नहीं आया कुछ। मैं आ गई थी घर से कॉलेज, और सच मानोगे मैं घर कॉलेज कब से आई हूँ, और तब से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे आगे पीछे मतलब थोड़ी सी ऐसी सुस्ती डाल ली मैंने। आपको पता है हर एक लड़की रिलेट करती होगी जो भी कॉलेज आता है, जब पूरा दिन बस में ट्रैवल करना, जाना आना, पढ़ना है ना, तो फिर क्या थक जाने का, जब घर मतलब वहाँ से घर आओ ना, फिर ऐसे मन करता है बस अब सो जाए। तो मुझे याद ही भूल गया कि मैं व्लॉग बना रही थी और मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो अभी मतलब अभी मैं घर पे आ गई हूँ, थोड़ा रेस्ट वगैरह भी कर लिया। और सच बताऊँ आपको,
मुझे इतना आलस आता है ना कपड़े चेंज करने में, इतना आलस, जिस जिस को भी आलस आता है ना कपड़े चेंज करने में, वो प्लीज़ मुझे, मतलब जो मेरे साथ रिलेट करता है ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। एक मुझे कपड़े चेंज करने में आलस आता है, दूसरा मुझे नहाने में आलस आता है, और तीसरा मुझे मतलब वही यार कंघी करने में आलस आता है। और अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे, और अभी आज दोबारा मम्मा पापा गए हैं कहीं कार्ड बांटने, एज यू ऑल नो कि हमारे घर पे शादी शुरू हो चुकी है। तो अभी आज मैं और अंशु फिर दोबारा घर पे अकेले, और आज फिर जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, कल तो हमने पुलाव बना लिए थे, और पुलाव मतलब बना लिया थोड़ा बहुत जो भी बना मेरे से, और इनको तो ये तो बोरे टेस्टी लगा मुझे, तो चलो आज फिर दोबारा कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या खाना है, और ये मुझे बोल रहे हैं कि आज मुझे मैगी खानी है, कल पुलाव और आज मैगी, दिन ब दिन इनकी डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। तो अभी तो गाइस अभी देख सकते हैं आप, गोरा यहाँ पे मैगी डालती हुई, और देखो गोरा कितनी प्रीटी लग रही है। गोरा क्या राज आपकी ब्यूटी का? ओह माय गॉड, झूठे वादे, झूठे बातें कर रहे हैं आप, ऐसे मत बोला करो हमारी फैमिली को, सीधे बोल दो कि दो बार मुंह धोना। गाइस दो बार मुंह धोने के बाद, सो गाइस मैंने मैगी बना दी है, मैं भी प्रिपेयर भी कर चुकी हूँ, मैंने सर्व करनी है, और मैं भी सर्व कर रही हूँ, एंड मेरे हस्बैंड जो हैं दैट इज बिहाइंड द कैमरा, ही इज शेयरिंग हिज रिव्यू विद मी, हाउ इज द मैगी, ओके।